हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चिकन कीमा पराठा। ये बहुत ही टेस्टी डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन कीमा लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है लेमन जूस, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड सम टर्मरिक पाउडर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कुकिंग रेसिपीज़, हैक्स, DIY, पेंटिंग्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड ट्रैवल ब्लॉग्स एंड स्टिचिंग आल्सो एंड सम रेड चिली पाउडर। मिक्स इट वेल एंड कीप इट इन रेफ्रिजरेटर फॉर हाफ एन आवर और मोर देन हाफ एन आवर फॉर मैरिनेशन। शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ एज मच एज पॉसिबल। पराठा के लिए मैंने आटा और मैदा दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिया है और उसमें सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल ऐड किया है एंड अच्छे से गूंथ के उसको भी हाफ एन आवर के लिए रख दें। आटा गूंथने में मेरी मॉम मेरी हेल्प कर रही है। फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट्स ऑन माय चैनल, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। मैंने यहाँ पे 1 लार्ज अनियंस, सम गार्लिक एंड सम ग्रीन चिलीज, उसको ग्राइंड कर लें या वेजिटेबल चॉपर से चॉप कर लें। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, वाइट कुकिंग ऑयल, उसमें थोड़ा ज़ीरा डालें। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल करने लगे उसमें चॉप्ड अनियंस एंड गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज ऐड करें और उसे अच्छे से भून लें। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करें एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड मिक्स इट वेल। Then add all Indian spices like turmeric powder, red chili powder, धनिया powder, जीरा powder and mix it well। अच्छे से mix करके मसालों को अच्छे से भून लें। मैंने यहाँ पे tomato ketchup add किया है। You can also add tomato slices या chopped tomatoes। Add little water ताकि मसाला जल ना जाए। मसाला को अच्छे से भूने। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड मैरिनेटेड चिकन कीमा एंड मिक्स इट वेल। चिकन कीमा ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करें एंड डोंट ऐड एनी वाटर। एट लास्ट ऐड सम गरम मसाला पाउडर एंड मिक्स इट वेल एंड अवर चिकन कीमा इज रेडी। अब लोई बना के पराठा बेल लें। 2 पराठा बेल लें। एक पराठे के अंदर फिलिंग्स डालें चिकन कीमा की और ऊपर से और एक पराठा रख के उसे सील कर लें। किनारे पे पानी लगा के ऊपर से और एक पराठा रख के उसे सील कर लें ताकि स्टफिंग्स बाहर ना निकले। तवे पे इसे अच्छी तरह से सेक ले। किनारे पे अच्छे तरह से सेकिएगा ताकि कच्चा ना रह जाए। मैंने थोड़ा घी डाला है, आप बिना घी या ऑयल के भी सेक सकते हैं।
एंड पराठा इज रेडी टू सर्व। इसे रायते के साथ सर्व करें और इसका मज़ा लें।